देश में दो दिन बैंकिंग सेवा बुरी तरह प्रभावित रही क्योंकि 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इन्हीं बैंक कर्मचारियों का दर्द घंटी बजाओ में हमने कई बार दिखाया, लेकिन सरकार नहीं जागी। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। In the course of the past 3 years, we have opened 316 million bank accounts for those who never had a bank account. Now, 99% of Indian households have a bank account. सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी ने भारत में 31 करोड़ 60 लाख जनधन खातों का जिक्र कर अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन मोदी की इस योजना समेत कई बड़ी सरकारी विकास योजनाओं को पूरा करने में जिन बैंक कर्मचारियों ने दिन रात एक कर दिया, उनका हाल भी जरा देख लीजिए। तस्वीरें देश के 21 सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारियों की हड़ताल की हैं। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों का हाल आपके सामने है। बैंक कर्मचारियों की दो दिन की इस हड़ताल ने बैंकिंग सेवा को लगभग ठप कर दिया। 85,000 बैंक शाखाओं पर इसका असर हुआ और आम लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी। बैंक कर्मचारियों के गुस्से की वजह भी आप जानिए। भारतीय बैंक संघ ने कर्मचारियों के वेतन में सिर्फ 2% बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जबकि बैंक कर्मचारी 15% बढ़ोतरी चाहते हैं। ढाई ढाई साल से अटकी वेतन बढ़ोतरी देने की मांग पहले से ये कर रहे हैं। सीपीसी के दायरे में लाने की मांग है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के जितना वेतन तय हो। बैंक कामों के अलावा लादे गए दूसरे कामों से छुटकारा भी ये 10 लाख बैंक कर्मचारी चाहते हैं। बैंक कर्मचारियों के हितों का ये मुद्दा एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले घंटी बजाओ में उठाया। 19 फरवरी से बैंक कर्मचारियों की आवाज सरकार तक हम लगातार पहुंचा रहे थे। घंटी बजने के बाद भी सरकार जब नहीं जागी तो इन बैंक कर्मचारियों को बड़े प्रदर्शन पर मजबूर होना पड़ा।